हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग आए हैं सतारा, जहां पर हमने देखे सतारा लेक, चालकवाड़ी विंड मिल जो कि बहुत बड़ी बहुत ह्यूज है। इसके बाद हम लोग ने एक्सप्लोर किया ठोसेघर वाटरफॉल जो कि बहुत ह्यूज था और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे था। इसके बाद हम लोग सतारा घाट होते होते गए थे हेरिटेज वाड़ी, जहाँ पर हमने स्टे किया था। ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्ट का ऑप्शन है अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो, और नेचर लवर है तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। और इसके बाद हम लोग ने एक्सप्लोर किया था कास पठार, कास प्लेटू, जिसके लिए अभी सतारा बहुत फेमस है और यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर आए हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ टॉलेस्ट वाटरफॉल जो कि है वाजराई वाटरफॉल, जो कि बहुत सुंदर है। तो इसकी अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वाजराई वाटरफॉल का ये वीडियो। फ्रेंड्स, अभी कास प्लेटू देख के हो गया है, अभी हम जा रहे हैं कास लेक जो कि कास प्लेटू से ही आगे, वहाँ आप अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। तो हम लोग वापस पार्किंग गए थे, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और अब जा रहे हैं कास लेक की तरफ। रास्ते में आते हैं कास प्लेटू के अलग अलग गेट, गेट नंबर 1, 2, 3, 4। तो गेट नंबर 3 से जो कास प्लेटू में मतलब जो फ्लावर्स थे बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े थे, कमर तक के थे और बहुत अच्छा भी दिख रहा था। कुछ लोग गेट नंबर 1 पे भी जा रहे थे और कुछ लोग गेट नंबर 3 और 4 पे जो जाते हैं वो आगे एक और लेक की, कौन सा नाम है उस लेक का, कुमुदिनी लेक, वहाँ पर कमल के फूल खिलते हैं जो कि दोपहर 3 बजे तक रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते वो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ कास लेक पे, बहुत प्यारी सी लेक है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और अभी पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ हैं वो पानी के अंदर जा चुके हैं। और आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये वीडियो। और ये उसका डैम है, डैम का पानी यहाँ नीचे से गिरता है, अभी पानी कम है, अदरवाइज ये जो फ्लो होता है सीढ़ियों पे वो बहुत सुंदर लगता है। अभी जा रहे हैं वाजराई धबधबा के व्यू पॉइंट पे। जैसे कि हमने टिकट वाले दादा से पूछा था, उन्होंने बताया कि 20 मिनट्स की वॉक है वहाँ से व्यू पॉइंट, मतलब आपको पूरा का पूरा वाटरफॉल का व्यू वहाँ से दिखता है 20 मिनट की वॉक है। लेकिन अगर आपको उसका बिल्कुल डीप में जाना है तो उसका रास्ता भी अलग है और वो बहुत ज़्यादा लंबी वॉक है। वो कीवी के साथ अभी तो हम नहीं करने वाले, अभी चलते व्यू पॉइंट पे और आपको भी लेके चलती हूँ। एक पॉइंट पे चलने के बाद ऐसा प्लेन रास्ता दिख रहा है, थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, वहाँ से अभी जा रहे हैं। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है लेकिन अभी 10 मिनट का रास्ता हमने कवर किया है, 10 मिनट का और बता रहे हैं। कीवी फटाफट चलना, हाँ आपको
बहुत मुश्किल होता है एक्सप्लोर करना और साथ में इतना कुछ शूट करना, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना। तो अगर आपको हमारे मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लंबी ट्रेल है, बिल्कुल फील आ रहा है एकदम घने जंगलों वाला, और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। ये देखिए हम मोर की भी दिख गए मेरे को, मैं थोड़ी दूर रह गई थी, बस एक्साइटमेंट है तो वाटरफॉल के दिखने का। पनिया दीदी भैया के साथ चलेंगे, ओह माय गॉड, ये पेड़ से झुक के बच के निकलना। फ्रेंड्स ये जगह सेफ है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है, तो सीनियर सिटीजन के लिए तो नहीं है। बहुत ऊपर नीचे चढ़ना और नीचे उतरना रहता है। अभी हम डिसेंड कर रहे हैं एंड कुछ लोगों की आवाज़ भी आ रही साथ में। 1000 years later. फ्रेंड्स थोड़ा सा दिखने लगा है, अब लग रहा है उम्मीद कि अब हम झरने के पास आ गए हैं। वो आ गया क्या? अब नहीं जाना नीचे। अरे बाबा रे, अरे लेकिन आइस से अलग दिख रहा है और इसमें बहुत अलग दिख रहा है। तो फाइनली गाइस, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद हम आ गए हैं इंडिया के सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल को देखने, जो कि है वाजराई वाटरफॉल। जब तक हम एंजॉय करते हैं ये व्यू, आप एंजॉय कीजिए वाजराई वाटरफॉल के ये शॉट्स। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my इस मेसमराइजिंग व्यू को अपने अंदर सोक करने के लिए हम लोग कुछ देर वहीं बैठे और वहीं से एंजॉय किया वाजराई वाटरफॉल का ये व्यू। इसके बाद हमने स्टार्ट किया अपनी वापस से जर्नी बैक टू द कार। थकी क्या आप? हैट्स ऑफ टू यू, स्ट्रांग हो। सीरियसली गाइस, हैट्स ऑफ टू कीवी, वो चलती है, और हेड्स ऑफ टू अम्मू कि जब वो थकती है तो वो उसको गोदी में उठा के चलते हैं। मैं तो ये क्या हो रहा है इधर देखना कीवी, ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है, अभी बहुत धूप थी और अभी देखिए इतना वॉक किया तो लग रहा है हम जैसे हम अभी बारिश के सीजन में आए हो एकदम। बहुत मजा आ रहा है बिस्किट खाने की।
फ्रेंड्स, हमारी एक दिन की सतारा की ट्रिप बहुत फ्रूटफुल थी, बहुत मज़ा आया घूमने में। आई होप आपको भी हमारे वीडियो देखने में उतना मज़ा आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।